नहीं आता। ये पर्ची देख रहे हो कैसी है नमाज जनाजा की? नहीं है, इसमें लिखा है हुजूर का शजरा सुना दिया जाए। तकरीबन 2 घंटे तो हो गए बोलते बोलते, है ना? हाँ डॉक्टर ये कहते हैं कि 40 मिनट तकरीर करनी है, उससे ज्यादा नहीं। मगर मेरा अपना मिजाज क्या है, सब तबीबों ने दे दिया गया जवाब, आह ईसा अगर दवा न करे। हाँ बस अपना तो उसूल ये है, खाते हैं तेरे दर की, पीता पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे दाना के तेरा? जो नहीं बोल रहा यहाँ आ जाए, मैं उसकी सुनूंगा। यहाँ बोले आ रहा है कोई? नहीं आ रहा तो फिर मेरी सुनो, अगर सुन रहे तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। थके तो नहीं है? मैं कुछ अब आपको देख रहा हूँ, अभी तक खड़े होकर हुजूर की बातें सुन रही। अल्लाह आपकी जवानियों में बरकतें करे। घर जाना ना, माँ के कदम चूमना, कहना अम्मा सब बैठ के हुजूर की बातें सुन रहे थे, तेरे दूध की ताकत थी, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी है। तो जाना ना, फिर माँ की खिदमत करना, उसके पैर छूना। बस मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह बरेली वाले रहेंगे, इंशाल्लाह भाभियों में दावत खाओगे, इनसे मुसाफे करोगे, इनके साथ बैठोगे, जो बैठ जाए इनके साथ तो वादा करो ना यार, नबी के दुश्मनों से दुश्मनी करेंगे, बोलो नबी के दोस्तों से दोस्ती। लंबी पड़ जाएगी। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे? बोल दो, ऐसी बोल दो मैं सुन लूंगा। बिल्कुल, ये भाई पूछ रहा है कि भाभी के लिए नमाज जनाजा में उसकी शिरकत कर ले तो भाई। हाँ बड़ी अच्छी जब बात हमारे इस नौजवान ने कही है, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। एक सवाल इन्होंने किया है कि ये जो वहाबी लोग मर जाते हैं ना, ये जो निकल लेते हैं, फूट लेते हैं इधर से, जो इधर से फूट जाते हैं ना, उनका मसला ये पूछ रहा है बेटा बच्चा हमारा, ये कह रहा मस्जिद से पहली बात तो ऐलान किया जाता है कि भाई सारे लोग जनाजे में शिरकत करें और सवाब इदारे नाजिल करें, ठीक है? इन लानतियों के जनाजे में शरीक होने में कोई सवाब नहीं है। और सबसे बड़ा खतरा क्या, अगर किसी ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ ली जानते हुए कि ये भाभी है, दुआए मगफरत कर ली, तो उसका निकाह भी टूट जाता और ईमान भी चला जाता। भाई इनसे बच के रहिएगा, इनकी तो सूरत मत देखो, शिकल मत देखो इनकी। जो लोग ऐलान ये करते हैं ना सवाब इदारे हासिल करें, उन पे भी तौबा लाजिम है। अगर इमाम ऐलान करते उसके पीछे नमाज नहीं जब तक वो तौबा ना कर ले, तो कोई इनसे मुनरमी नहीं। सुने एक बात याद आ गई, बस बेटे हजरत पैगंबर इस्लाम का दौर, एक जनाजा लाया गया चौराहे पे, हुजूर गए, मैं ये बात बड़ी लंबी होती जा रही है, ये कि बैठा के ना जुमे में नहीं समझाया करो। हजरत फरमा रहे हैं कि अगर कोई वहाबी बदअकीदा कुर्बानी में शामिल हो जाए, समझ लेना एक वहाबी ने अगर कुर्बानी कर ली ना तुम्हारे साथ में, तो अगर 6 हिस्से तुम्हारे साथ हुआ उसका, तो सबकी कुर्बानी खत्म। हाँ सबकी कुर्बानी खत्म, मेरी बात याद रखना। जितने कुर्बानी में शरीक हों सारे सुन्नी सही अकीदा हूँ, किसी की नीयत गोश्त की ना हो, किसी ने इस नियत पे कुर्बानी ना की हो कि अगर कुर्बानी नहीं की तो बच्चे दूसरों का मुंह देखेंगे, इसलिए यार हिस्सा कर लिया ताकि बच्चों को गोश्त मिल जाए। एक बंदे की नियत भी अगर ये हुई तो कुर्बानी सबकी खत्म। सिर्फ अल्लाह की रजा की नियत होनी चाहिए। कौन सी नियत होनी चाहिए? जोर से, अल्लाह की रजा की नियत होनी चाहिए। बात बढ़ती जा रही है, कहां खोले गए यार ने खुशबू कहां तक है। बस बहुत गौर से सुने, हुजूर के दौर में जनाजा लाया गया चौराहे पर, हुजूर उठ के गए, चेहरा देखा वापस आ गया, किसी ने कहा हुजूर जनाजा नहीं पढ़ेंगे, फरमाया इसके सीने में मेरे उस्मान का बुग्ज था, इसलिए मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा। जिसके सीने में उस्मान का बुग्ज हो, हुजूर नहीं पढ़ते उसकी नमाज जनाजा, जिसके सीने में हुजूर का बुग्ज हो, उम्मती कैसे पढ़ रहा है उसका जनाजा? वो सोचो जरा, उम्मती क्यों पढ़ रहा है उसका जनाजा? लात मार दे इस मरे हुए से तो कुत्ता देखना बेहतर है, इस मरे से तो कुत्ता देखने।
ना ये जनाजे इनके पड़े जाएं, ना इनकी मैयतों में शामिल हो, ना इनका मुंह देखो, ना ये तुम्हारी रोटियों में शामिल हो, ना ये तुम्हारे जनाजों में शामिल हो, तुम्हारी मस्जिदों में नहीं आने चाहिए। हाँ, हमारे कोई मैंड बटिया और खेत का झगड़ा नहीं है, हमारा अकीदे का झगड़ा है। तुम ये कहते हो माजल्ला नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तुम ये कहते हो नबी अपनी बेटी की शफात नहीं कर सकते माजल्ला, तुम ये कहते हो नबी गांव के चौधरी की तरह माजल्ला, तुम कहते हो जैसा इल्म नबी को वैसा इल्म शैतान को भी माजल्ला, तुम्हारे ये अकीदे। और बरेली वालों का अकीदा क्या है, वो क्या कहते हैं इल्म गैब के हवाले से? मेरे इमाम ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जबना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम कहते हो नबी को कुछ नहीं देते, नबी कुछ नहीं देते, आला हजरत ने क्या कहा? कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तुम कहते हो नबी किसी की शफात नहीं कर सकते, आला हज़रत ने क्या कहा? मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, एक मैं क्या मेरे एशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। तुम ये कहते हो कि नबी मर के मिट्टी में मिल गया, आला हज़रत कहते तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरे चश्मे आलम से, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और लोगों मसला क्या, अल्लाह के पाबंद रहिए, बाबियत से बचते रहिए, ना इनको बेटी लेनी है ना इनको बेटी देनी है, इनसे लेना देना दोनों बंद, खाना पीना सारा बंद, जो इनके साथ खाएगा वहां नहीं पाएगा। अगर वहां चाहते हो आज तौबा कर लो, हुजूर की चौखट पकड़ो और इतना कह दो मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में कहीं जा बजा था ले, बचेंगे इंशाल्लाह। बस अब मैं चाहता हूँ कि बच्चों की फरमाइश ना, काम तो कर दिया दो जलसों की तकरीर का, नजराना एक ही जलसे का मिलेगा, तकरीर दो जलसों की कराई गई है, मगर कोई बात नहीं है, अल्लाह आपका भला करे। ठीक है जी, हम थोड़े पे राजी हैं, जरा कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौलवी के फेफड़े बेच डालो, ये मोहब्बत है कहीं एक दिन में काम तमाम ना कर दे, ये मोहब्बत है कई सारे मौलवियों को खा गई, गलत नहीं कह रहे हो, गुलाम मुहिद्दीन सुबहानी को मोहब्बत खा गई, लोग दो दो घंटे नहीं उठने देने थे, हुजूर के फेफड़े फेल हो गए, जनाब एक्सपायर हो गए। गुलाम मुहिद्दीन सुबहानी, कारी रजीउल्लाह, कितने बड़े बड़ों को मोहब्बतें खा गई। तो मोहब्बतें इतनी करो कि भाई हजम हो जाए, किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए, कि दम निकल जाए। बस इसलिए मैं चाहता हूँ बस शजरा पढ़ दिया जाए, लेकिन याद रखिएगा जब मैं शजरा पढ़ता हूँ ना, तो जब मेरी सांस फूलने लगती है तो फिर मैं हाथ का इशारा करता हूँ, तो आपको क्या कहना है? ऐसे तो मैं तीजे की नमाज़ें भी नहीं पढ़ाता हूँ भैया मैयत की, जैसे तुमने सुभान अल्लाह कही है, सारे लोगों को कहना है एक साथ बोले हाँ जी, जब मैं हाथ का इशारा करूं तो सबको ऐसे ही बोलना। ये कुर्सी वाले जो बाबे बैठे ना, कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे, कुर्सी आपका हक है, बैठे रहिए कुर्सियों पे, बड़े बूढ़े जो है ना बैठे हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन याद रखिएगा हर जगह बड़ा नहीं बनाया जाता, कुछ जगहों पर छोटा बना जाता है। और ये हुजूर की महफिल है, जहाँ जितने छोटे बन के आओगे उतना ज्यादा लेके जाओगे, ज्यादा लेके जाओगे। जो भी बैठा है ना हुजूर का नौकर बन के बैठे, और सारे अपनी जिम्मेदारी समझ के बोले, अभी नहीं बोले सारे लोग, ये सामने वाले जरा कहते हैं आदम के बेटे, शीश शीश के बेटे, यानस यानस के बेटे, कैनान कैनान के बेटे, मेलाइल। मैं चेक कर रहा था कुछ सच्चा से देख रहे हैं, ये खाने की चीज नहीं है, सुनने की चीज है, मुंह ना फैलाइए, कान खोलिए, जरा बोल के दिखाइए। आदम के बेटे शीश शीश के बेटे, यानस यानस के बेटे, कैनान कैनान के बेटे, मेलाइल मेलाइल के बेटे, प्यारत के बेटे, इदरीस इदरीस के बेटे, मुतवश्शिक मुतवश्शिक के बेटे, लबकने के नाम के बेटे, नू नू के बेटे, साम साम के बेटे, जुलाद जुलाद के बेटे, शालिक शालिक के बेटे, आबिर आबिर के बेटे, दाता दाता के बेटे, सारा सारुख के बेटे, नाकुर नाकुर के बेटे, तारिक तारिक के बेटे, इब्राहिम खलीलुल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, इस्माइल सबीहुल्लाह इस्माइल सबीहुल्लाह के बेटे, केदार केदार के बेटे, बम बम के बेटे, मन मन के बेटे, साबित साबित के बेटे, सलमान सलमान के बेटे, रईसा रईसा के बेटे, रियासा रियासा के बेटे, औद औद के बेटे, हव्वा हव्वा के बेटे, अदनान अदनान के बेटे, मोहित मोहित के बेटे, नदार नदार के बेटे, मुदिर मुदिर के बेटे, इलियास इलियास के बेटे, मुद्रिका मुद्रिका के बेटे, कदीमा कदीमा के बेटे, किनाना किनाना के बेटे, नदर नदर के बेटे, मालिक मालिक के बेटे, मालिक के बेटे, फार फार के बेटे, गालिब गालिब के बेटे, लुई लुई के बेटे, काब काब के बेटे, मुर्रा मुर्रा के बेटे, किलाब किलाब के बेटे, कुसई कुसई के बेटे, अब्दे मनाफ अब्दे मनाफ के बेटे, हाशिम के अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्लाह के बेटे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे